तो क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे फ्रेंड मेरे स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, एवं उसके अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। ये रहा प्रतिशत की डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? मान लीजिए आपके पास है कोई 25%, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो जब आप 25 में 100 से भाग दे देंगे तो यह भिन्न में बदल जाएगा। इसे काटेंगे 25 इकाई 25, 25 चौक 100, 1/4 यह भिन्न हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, ये आपका बेसिक है, और इसे सीखने के बाद ही आप आगे अगला सवाल को सोल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक से जानना जरूरी है। जो नए लोग हैं जिसे प्रतिशत के बारे में कुछ नहीं आता है, तो पहले इसे समझे, उसके बाद आगे आपसे सवाल बनेगा। अब क्वेश्चन है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो भिन्न मान लीजिए आपके पास भिन्न है 3/4 है, ये भिन्न हो गया आपका भिन्न, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। 3/4 है, जब 100 से इसमें गुना कर देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 या 75, ये हो गया 75%। जब 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है, जब 100 से भाग देते हैं यह भिन्न में बदल जाता है। तो बेसिक चीज को पहले याद रखें, उसके बाद आगे आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन सा प्रतिशत कौन सा भिन्न के बराबर होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 100%, अगर यह 100% हो, 100% कितने भिन्न के बराबर है? 100% बराबर कितना होता है, भिन्न में कितना होता है? परसेंटेज में 100% है, भिन्न में कितना होगा? तो मैं आपको बताया था कि किसी भी परसेंट को 100 से भाग दे देंगे वह भिन्न में बदल जाएगा, इसमें 100 से भाग दे देंगे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक हो गया। दूसरा है कि अगर आपके पास 150% है तो भिन्न में इसका वैल्यू कितना होगा? 150% है, आप इसे जो है 150% को 100 से भाग दे दीजिए तो कितना बराबर, 5 × 10 = 15 करेंगे, मतलब 3/2 1/2 के बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा भिन्न में। अगर आपके पास 200% है तो भिन्न में या कितना होगा, तो 200 में आप जो है 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा भिन्न में, या 2 हो जाएगा। तीसरा है, अगर आपके पास 90% है तो भिन्न में या कितने के बराबर होगा, तो 90/100 = 9/10 के बराबर होगा, या 0 कट जाएगा। चौथा है आपका, अगर आपके पास 80% है तो यह भिन्न में कितने के बराबर होगा, तो 80/100 इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 0 × 4 = 8, 5 × 10 2/5 के बराबर होता है। इसी तरह से आपको, अगर आपके पास 70% है तो यह भिन्न में कितना हो जाएगा, भिन्न में हो जाएगा 70/100 = या 0 कट गया 7/10 के बराबर होगा। अगर आपके पास 60% है तो भिन्न में यह कितना हो जाएगा, भिन्न में हो जाएगा 60/100 इसको काटेंगे 0 0 3 ये हो जाएगा 5 यानी मतलब 3/5 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके पास 50% है तो आपका कितने बराबर हो जाएगा, 50% का मतलब होता है आधा हो जाना, तो 50/100 करेंगे, इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, 1 बार में 2 बार में कटेगा, 1/2 के बराबर होता है। आपके पास अगर जो 40% है तो आपका भिन्न में कितना होगा, 40/100 इसे काटेंगे 2 बार में 5 बार में कटेगा, तो बचेगा 2/5 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपका 80% जो है 4/5 के बराबर है, या 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा 2 से काटेंगे 5 बार में, क्योंकि हम देखें यहाँ 40% सेम हो रहा था, इसलिए यह जो होगा 4/5 के बराबर होगा और यहाँ 2/5 के बराबर। अगर आपका जो है 30% है तो भिन्न में कितना होगा, 30/100 जब इसे काटेंगे 3/10 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी जानकारी रखना है, क्योंकि मैं सवाल जो बनाऊंगा इसका उपयोग करूंगा, इस भिन्न का भी उपयोग करूंगा, और आपको यह चीज याद रहना चाहिए ताकि बाद में आपको यह ना पूछेंगे सर यह कहां से आ गया, आप यह कैसे ला दिए। तो मैं बताऊंगा, आप मेरा पिछले वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा, उस समय मैं इस तरह काट के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इस भिन्न का यूज करूंगा, इसलिए आप इसे समझें और इसे याद रखें। और है आपके पास में, इसे मिटा करके और आपको याद रखना है, यदि आपके पास 25% है तो भिन्न में हो जाएगा 25/100 गुना बराबर 25 चौक 100, 1/4 के बराबर होता है। 20% हो तो भिन्न में आपका 20/100 इसको डिवाइड करेंगे 1/5 के बराबर होगा। अगर आपके पास 15% है तो आप भिन्न में कितने के बराबर होगा, तो 15/100 इसे काटेंगे 3 बार में, यह हो जाएगा 20 यानी 3/20 के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास 10% है तो भिन्न में या
10 by 100 इसको डिवाइड करेंगे 1 by 10 के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास 5% है तो भिन्न में यह 5 by 100 मतलब यह हो गया 1 by 20 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। अगर 2% बोला जाए, 2% के बात किया जाए तो आपका जो है 2 by 100 माने कि 1 by 50 के बराबर हो जाएगा, 1 by 50 भिन्न के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट जो कि तो फ्रेंड स्टूडेंट मुझे आपको इन चीजों को भी याद रखना है, ये भी आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है जो कि आपके हिसाब सवाल बनाने में काम आएंगे, इसे भी अच्छी तरह याद रखें। मैं जब सवाल बनाऊंगा उस समय बताएंगे कि यह क्या है या इसका भिन्न कितना होगा और या भिन्न का परसेंट कितना होगा। तो इसका परसेंट जो है 66% 3/2/3 है, इसका जो है कितना भिन्न में बदलेंगे कितना होगा, 66 दिया कितना हो गया 34/18/19 यानी 200/200/3 गुणा कर देंगे हम, भाग दे देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 20 कट गया, 2/3 के बराबर हो गया। उसी तरह से हो गया, जिसको भिन्न में बदलेंगे 33/99 100/3, इससे जब परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 से भाग दे देंगे कट जाएगा, कहने मतलब 1/3 के बराबर होता है। तो इस तरह की जब हिसाब आएगा भिन्न पूछेंगे आप 66 को काट दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वही भिन्न बन जाएगा, 33 × 1/3 आएगा, आप 33 को हटा दीजिएगा 1/3 जो बचेगा वही आपका भिन्न आएगा। आप इसको भिन्न में बदलेंगे कैसे बनाएंगे, 7 × 14 = 4, 14 × 1 = 5, 8 × 16 = 17 बटे 2 अगुना करेंगे 100 से, परसेंट को बदलेंगे भिन्न में तो 25 × 75 25 × 100 = 3/8 होगा। फिर इससे जो है इसको भिन्न में बदलेंगे 2 × 4 = 5, 5 × 6 = 12, 125/2 गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, यह आ गया 25 × 25 = 100, 25 × 100 = 5/4×8 5/8 आ जाएगा। 62 × 1/2 का मतलब हो गया 5/8, 37 × 1/2 का मतलब होता है 7 × 14 = 5, ये हो गया 3 × 6 = 7/2 गुना करेंगे 100 से यानी कि भाग देंगे 100 से 25 × 75 25 × 100 = 3/8 हो गया। तो आपका जो है 37 × 1/2 = 3/8 के बराबर है, 2 × 14 = 15 × 5, 3 × 6 = 7 यहाँ पे हो गया 7 × 14 = 15 × 5, 8 × 16 = 17, 25 × 175 कहने का मतलब ये 7/8 के बराबर होता है। मुझे यह पता चला कि सेम इतना नहीं हो सकता है इसलिए मैं इसे कैलकुलेशन को चेक किया। फिर आपका 12 × 1/2 12 × 24 = 25/2 गुना 100 मतलब हो गया 25 × 25 25 × 100 = 1/8 के बराबर होता है। 6 × 12 = 13 13/2 100 से गुना करेंगे यानी 13/2 100 के बराबर हो जाएगा। 5% बराबर होगा 5/100 जब इसे काटेंगे 1/20 के बराबर होगा। 4% का मतलब होता है 4/100 1/25 के बराबर होगा। तीन भिन्न को भी आपको याद रखना है जो कि आपके हिसाब को बनाने में काम आएगा। आप चलते हैं हिसाब की ओर। आप याद फॉर्मूला था या बेसिक था याद रखने का, भिन्न को परसेंटेज का भिन्न में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज का वैल्यू जो भिन्न में क्या है, कौन सा परसेंटेज का वैल्यू क्या है, इसके बारे में बताएं।